दोस्तों क्रीडाई बीएनएम रायगढ़ का 7th प्रॉपर्टी एग्जीबिशन खांडेश्वर स्टेशन के सामने चल रहा है। इंटरव्यूज तो काफी होते हैं, लेकिन पब्लिक डिमांड पे कुछ इंटरव्यूज करने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था, उसके नीचे कमेंट आया था कि केटी बिल्डर्स के केटी ग्रुप्स के भी प्रोजेक्ट्स आए, उनके डिस्प्ले कुछ प्रोजेक्ट करो या उनके इन्फॉर्मेशन दो। तो हियर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी। आज मेरे साथ एक नहीं तो दो दो डायरेक्टर है केटी ग्रुप के। मैंने बोला चलो लेट्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा डिस्कशन हो। जब पब्लिक की डिमांड होती है, जब व्यूवर्स कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन दो, तो दैट मीन्स आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम स्प्रेड जरूर करना चाहिए। तो वेलकम टू द चैनल सर। चलिए आपसे शुरू, थैंक यू। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, थोड़ा ब्रांड के बारे में बताइए यार, कब से है ब्रांड, कितना एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं। ये ब्रांड स्टार्ट किया था इनके फादर ने और मेरे फादर ने मिलके, अच्छा, आज से 20 साल पहले। ओहो, हमारी शुरुआत यही एरिया से हुई थी, अच्छा। पनवेल से ही शुरुआत हुई थी और आज भी हम अपने ग्रास रूट में पनवेल में ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। शुरू किया था स्मॉल स्केल से, आज हम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन पनवेल, 11,000 मीटर, 8,000 मीटर ये स्केल पे हम बना रहे हैं। 900 फ्लैट्स हैं किस में 650 फ्लैट्स हैं। सिडको टेंडर प्लॉट्स हैं जो फुली पेड अप, जब तक आप पूरा पैसा नहीं भरोगे गवर्नमेंट सिडको को, तब तक आपको प्लॉट का पजेशन भी नहीं मिलता है, आप काम भी नहीं स्टार्ट कर सकते, आप बेच भी नहीं सकते। करेक्ट। तो ये बहुत ही एक टाइप का काम, सिक्योर और सेफ। यस एग्जैक्टली। तो वो कस्टमर को एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है हमेशा कि ये बिल्डर बनाएगा बिल्डिंग बिकॉज इसने इतने पैसे भरे हैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी, तो वो आगे जाके बिल्डिंग बनाएगा। और क्वालिटी तो हमारे देख चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में कि हमारी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन रहती है, उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। नहीं, पर इसमें ऐसा है कि सिर्फ सिडको को पैसे भरे नहीं है तो लेगेसी वाला ब्रांड है। मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी के फादर्स ने जॉइंट वेंचर शुरू किया, साथ में काम शुरू किया और उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी साथ कर रही है। करेक्ट। और लेगेसी का ऐसा है ना कि जब लेगेसी से काम आता है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, प्लानिंग में सब जगह दिखाई देता है। रैंडमली जब नए लोग आते हैं तो वो ट्राई एंड एरर होता है, करके देखते हैं ऐसा अच्छा होगा क्या। Correct. पर लेगेसी में क्या होता है, देखा हुआ रहता है, ट्राई एंड टेस्टेड होता है। Exactly. ये ऐसा ही होगा करके। तो वो काम जब लोग विजिट करते हैं ना प्रोजेक्ट पे, वो स्ट्रक्चर में, स्ट्रेंथ में, कलर कॉम्बिनेशन चॉइस में, टाइल चॉइस में, क्वालिटीज में, सब में ना वो दिखाई देता है। तो yes. इसके लिए लेगेसी वाले बिल्डर चॉइस करना एक अच्छा ही, मतलब लोगों के लिए ऑप्शन हमेशा से। हम 25 साल से ये बिजनेस में है, अच्छा। लेकिन 20 ईयर से हमारी एक्सेलेंसी है। एक्सेलेंसी क्यों है, क्योंकि हम 5 साल गेन करने में लगे, गेन करने में लगे, एक्सेलेंसी हासिल करने और में लगे। वो लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या चल रहा है और क्या नहीं है, काफी सारे एक्सपीरियंस हुए और इसके बाद ये जो एक्सेलेंसी है 20 ईयर्स की, वो अभी आगे भी चलने वाली है। चलो, आपकी और एक नेक्स्ट जनरेशन आएगी वापस। लेकिन कंपनी को इतना बड़ा बनाना है कि एक दिन इसको लिस्ट भी करेंगे, हमारा फ्यूचर प्लान यही है। अरे माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू ऑल। हमारे जो सामने स्टॉल है मिस्टर अरियन के, वैसे ही हम लोग एक दिन इसको लिस्ट करने वाले हैं, बहुत वेरी सून होपफुली। देखो ये बोलने के लिए ना हिम्मत लगता है, बिकॉज जब आप कोई कंपनी को लिस्टेड करने जाते हैं ना, तो उतना परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, बिकॉज उसनी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, बिकॉज वो लाइबिलिटीज आ जाती है उसमें। लोग अक्सर जो रियल एस्टेट ब्रांड होते हैं ना, उसको ज़्यादा ब्रांडिंग की तरह लेना नहीं चाहते, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जिनको सच में लॉन्ग टाइम काम करना है, एक थॉट प्रोसेस से काम कर रहा है। मेरे को बीच में किसी ने पूछा था ऐसे एग्जीबिशन में कि सर पेपर क्या क्या चेक करें, मैंने पेपर्स तो बता दिया कि ये पेपर्स लगते हैं भाई। हाँ हाँ। लेकिन मैं बोला फिर बिल्डर का मेंटेलिटी भी चेक करना कि उसका मेंटेलिटी क्या है। बहुत पेपर्स भले पेपर है, लेकिन हाँ। उसका माइंडसेट ही नहीं अच्छा कंस्ट्रक्शन करने का, तो आगे क्या रिजल्ट आएगा। तो जितने पेपर वर्क जरूरी है, उतना जरूरी माइंडसेट भी होता है, जो लोग हमेशा से ना मिस कर देते हैं। चलिए धीरेज भाई, आप बताइए अभी कौन से लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। अभी हमारे खांडा कॉलोनी, न्यू पनवेल, मतलब यहाँ पे जो एक्सपो है मेन, वहाँ पे ही सारे हमारे नियर बाय लोकेशन में प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, तो आप मुझे लोकेशन वाइज बताइए ना, कौन से प्रोजेक्ट में क्या प्राइसिंग्स और क्या कॉन्फ़िगरेशंस है। अभी जैसे हम ये खांडेश्वर रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, यहाँ से 300 मीटर पे ही सेम रोड, आप अगर बाहर जाते हैं सेम रोड 300 मीटर पे ही मेरा प्रोजेक्ट है, उसका CC वगैरह आ गया, रेरा नंबर भी एक दो दिन में आ जाएगा, इन प्रोसेस है। उसमें हम एक थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ओके, उसको नाम दिया गया है वन मोर।
अभी one, उसका टीजर वन मोर ओके उसका भी टीजर लॉन्च दिया है हमने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ वन मोर एक कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ये वन मोर मतलब एक से ज्यादा नहीं है, ये मतलब वन मोर ये टू नहीं है। करेक्ट, हमारे आसपास में भी दूसरे बिल्डर्स हैं, उनके भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो उनके पास स्विमिंग पूल है ना उससे मेरा बड़ा है, उनका जो इंडोर गेम्स एरिया है ना उससे मेरा बड़ा है, उनका जो पार्टी लोन है ना उससे मेरी बड़ी है, मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो हम एक दे रहे लेकिन ज्यादा दे रहे हैं, बराबर, ये कॉन्सेप्ट। करेक्ट करेक्ट, एक दे रहे लेकिन ज्यादा दे रहे, और यूज टू दे रहे हैं, 2, 3 and 4 BHK के वेरिएंट में दे रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कामोठा में मेरा 30-40 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, सारे 1 and 2 BHK एंड 1 RK वाले भी प्रोजेक्ट से, 1 RK वाले भी प्रोजेक्ट है। अभी ये काफी सालों से उधर जो 1 RK वाला है वो अपग्रेड होना चाहता है, 1 BHK है वो अपग्रेड होना चाहता है, 2 BHK है वो भी अपग्रेड होना चाहता है, तो इसमें हमने 2, 3 और 4 का भी कॉन्सेप्ट लाया है। 2, 3 और 4 जो आज लोग सोच रहे हैं कामोठा के बारे में और उनको लेना है लेकिन उनको चॉइस नहीं मिल रही है, एरिया नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, तो उनके नियर बाय जस्ट ये कामोठा के नियर बाय जिसको खांदा कॉलोनी न्यू पनवेल सिडको ने नाम दिया है, करेक्ट, एक्चुअल में वो कामोठा ही है, तो उनकी मेंटालिटी और उनका फीचर देख के आगे 5 साल में जब वो बनेगा तब वो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने वो पहला सोच था वो सही था जो आज मुझे मिल रहा है। Correct. ये सोच के हमने एक स्टोरी बनाई, एक टीजर बनाया, और इसके आगे काफी कुछ आने वाला है जो मेरे माइंड में तो है लेकिन वो एक्सप्लोर टाइम टू टाइम आएगा। करेक्ट, अभी से एकदम से रिवील नहीं करना चाहते, अभी नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ सस्पेंस जरूरी है। चलो बढ़िया, तो इसमें 2 bed, 3 bed और 4 bed डेफिनेटली अभी कॉन्क्रीट प्राइस तो दे नहीं सकते, पर अप्रोक्स क्या रेंज से स्टार्ट होंगे? हम नॉर्मली 85 lakh से स्टार्टिंग करेंगे और ये जाएगा 3 crore तक। अच्छा, 3 crore तक, उधर लेविश 4 BHK है, मतलब आप उसको एक ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये एरिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट को देखते हुए, PMC को देखते हुए, रेलवे स्टेशन को देखते हुए, बस स्टेशन को देखते हुए, आने वाले टाइम में जब बिल्डिंग बन के 3-4 साल में रेडी हो जाएगी तो लोगों को क्या चाहिए वो मेरे पास उस टाइम रहना चाहिए, ये सोच के हमने आज ये प्रोजेक्ट बनाया। मैंने बीच में ही किसी बिल्डर ने मुझे पूछा था ऐसे ही कि मेरा यहाँ पे जगह है, मैं उधर क्या कंस्ट्रक्शन करूँ। मैंने उनको बोला ये पूछने से अच्छा आपका टारगेट ऑडियंस कौन है ना, ये आप ढूंढने की कोशिश करो, आप किसके लिए घर बना रहे हो ना, आपको ये डिफाइन हो गया ना तो आपको ये भी मालूम है कि एडवर्टीजमेंट कहाँ लगानी है। आपका बजट होम वाला है तो आपको लोकल रेलवे में एड लगाओ तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। yes. लेकिन लग्जरियस वाला एड वहाँ पे लगा के मजा नहीं आएगा, बिकॉज काम ही नहीं निकालने वाला, वो आपको ऑडियंस है नहीं। अभी आपके बात में से ना ये थोड़ा समझ में आ गया कि आपको थॉट प्रोसेस मालूम है कि कहाँ एडवर्टाइजिंग है और मेरा टारगेट ऑडियंस। और एक लग्जरी फील देना, एक है लेकिन ज्यादा देना। करेक्ट, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, क्योंकि दिल मांगे दिल मांगे मोर। चलो बढ़िया, और दूसरा कोई प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना है? ये यहाँ पे बाहर भी आपने बोर्ड पे लिखा था 90 meters फ्रॉम स्टेशन, ये वहाँ पे भी एक हमारा टेंडर प्लॉट है। पनवेल स्टेशन से आप एग्जिट करेंगे ना 90 meters पे ही हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा आपको, मतलब हार्डली 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे। कितने फ्लोर का है वो भी? G+14 है, वहाँ पे हम 1 and 2 BHK दे रहे हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग है 50 lakh की और एंडिंग है 130-140 के आसपास। अच्छा, प्राइसिंग अच्छा है उसका भी वैसे। हाँ, वो भी मतलब रेलवे स्टेशन को देखते हुए, मायने रखते हुए, उधर के लोगों का डिमांड देखते हुए हमने वहाँ पे वैसा लॉन्च किया। ये अभी 14 story का है तो आप ऊपर के बारे में बताओ कुछ, आप बोल रहे थे थोड़ा ऊपर के बारे में, मैं बताऊंगा। मैं एक्चुअली दूसरे एरिया के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। चलिए, तो वो क्या है, यहाँ पे ऑरेंज जोन है ना तो ये भी छोटा है, 14 माला बड़ा नहीं है। यस यस यस, धीरज भाई ने जैसे कि हमें खेती के बारे में जो बताया है वो इधर के लोकल पनवेल एरिया के बारे में बताया है, लेकिन शायद ही कुछ लोगों को जो लोकल पनवेल में रहते हैं एक आइडिया है कि केटी ग्रुप के ऑलरेडी 2 OC रिसीव प्रोजेक्ट्स कोपर के अंदर में बन चुके हैं और तीसरा मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, OC के लिए अप्लाई हो जाएगा।
तो वो तीन प्रोजेक्ट भी हमारे कोपर केंद्र में चल रहे हैं, वो G+25 की दो स्टोरी है और G+23 का जो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने वाला है वो नवी मुंबई का फर्स्ट CC रिसीव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये हमारा KT ग्रुप का पर्सनल एक रिकॉर्ड है। वी वर द फर्स्ट कंपनी हु बॉट द CC इन नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड वी विल फिनिश फर्स्ट। हमारा OC भी पहले ही आएगा बिकॉज वो बिल्डिंग नियरली रेडी है। ओके, तो ये मैं बताना चाहता था कि इवन दो यहाँ की पनवेल की टारगेट ऑडियंस कोपर केंद्र में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी बिकॉज वो एरिया अलग है, दूर है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि KT ग्रुप इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड नवी मुंबई एंड सून मे बी वी विल ऑल्सो मूव टू मुंबई। वी वॉन्ट टू एक्सपेंड करेंगे एक दिन, जैसे कि धीरज भाई ने कहा कि वन मोर सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, खुद के लिए भी रखा है। वन मोर ये जो वन मोर है ना, ये हर एक के जबान पे आना चाहिए। ये मैं सोच रहा हूँ जो वो पूरे को दिखाएंगे। अभी ये एक बोलते हैं ना कैसा, एक छोटी सी वो थैली के ऊपर आग लगाते हैं, जब वो उधर से जाके जब चोटेगी ना तब वो बड़ी आग करेगी। तो अभी ये हमको टाइम भी नहीं मिला इतना प्रिपरेशन का, ये वो, और ये एक थैली है ऐसा समझ लो, उसके ऊपर आग लगी है, सिर्फ छिनके गिर रहे हैं और जब ये जलेगी तब ये काफ़ी बड़ी जलेगी। आपका मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग होता रहेगा सेल्स का ना, शाम को फिर आप बोलते रहोगे वन मोर, थोड़ा रुक जाओ एक और बुकिंग ले लेते हैं। ये इंस्पिरेशन भी है ना, टाइम हो गया उनको, जॉब खत्म हो गया, ऐसा नहीं, वन मोर, चलो आगे। यस यस, नहीं पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जब पैशन लोगों का प्रोफेशन बनता है ना तब ये रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट जो सिर्फ प्रोफेशन में आते हैं ना उनसे ये रियल एस्टेट वैसे भी है ना, मुझे ऐसा लगता है पागल लोगों का काम है। हु इज मैड अबाउट इट द कंस्ट्रक्शन। अब जब मैं ये प्रॉपर्टी कवरेज का थॉट प्रोसेस लेके आया ना, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था कि ऐसा कोई थॉट प्रोसेस था ही नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट में ब्रोकरेज फ्री यूट्यूब चैनल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जो मैं लेके आया। और मेरे भी ब्रोकर्स दोस्त थे तो भाई को बोलते थे अरे ब्रोकरेज का अच्छा धंधा छोड़ के क्या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा है जिसमें से एक रुपया नहीं आने वाला। आई वॉज लाइक कि नहीं यार, मैं पैशनेट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज कहीं ना कहीं यूटिलाइज होना चाहिए, तो हमने शुरू कर दिया। और आज ऐसा है ना कि मैं नई वीडियो करता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं कि हमको इसका वीडियो चाहिए, इसका वीडियो चाहिए। तो वो है, और ऐसा है कि मेरे मन में एक था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने ना जहाँ बिल्डर्स डेवलपर्स की इन्फॉर्मेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, कनेक्टिविटी की हो, वो ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए। यस, ट्रस्ट फैक्टर आता है बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी हिडन एजेंडा कि मैं किसी की तारीफ करूँ या किसी की बुराई करूँ। आप ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दिखा रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। नहीं, इवन अभी क्या हो गया, पिछले कुछ टाइम से जिनके पास कुछ गड़बड़ है ना वो बिल्डर मुझे अवॉइड करते। अच्छा, मतलब वीडियो के लिए बुलाना हो या फिर डिस्कशन लेना, आपको नजदीक नहीं बुलाते हो। हाँ, नहीं अरे ये वीडियो में पूछ लेता है भाई CC क्यों नहीं आया, OC क्यों नहीं आया, ऐसा होता है। तो लोग क्या बोलते हैं भाई सब कुछ सही रहेगा तो इसको बुला दे, नहीं तो पूछ लेते क्या हो गया भाई, अभी तो कम्प्लीट हो गया अपने। तो सारे होते हैं अपने अपने, पर मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में ना पैशनेट लोगों की ज्यादा जरूरत है जिनको पैशन को प्रोफेशन। ये क्या है ना, छोटा लाइन नहीं है, इसमें डेडिकेशन चाहिए। मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि बस हो गया, ये हो गया, तो फिर उतने में हो जाता है, बस में हो जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू। एक्चुअली ऐसा है, हर फील्ड का ना एक ओरा होता है। Yes. कि उसको ये काम करना है। Yes. सेल्स का तो उसको सेल्स ही करना। Yes. पर जब बंदा बिल्डर बनता है ना, उसको लीगल देखना है, उसको फाइनेंस देखना है, उसको कंस्ट्रक्शन देखना है। Sure. उसके अलावा बाहर की चीजें देखनी है जो साइट पे होती है, फिर बाद में सप्लायर देखना है, और फिर बाद में सेल्स देखना है। तो वो इतना एंगेज रहता है ना कि उसको 360 डिग्री अपना माइंड चलाना है, उसको सेल्स को भी देखना है, उसको लीगल्स को भी देखना है, पेपर वर्क भी देखना है। तो ये बंदा तभी कर पाता है जब वो पैशनेट है। अच्छा, आप कुछ इनवाइट करना चाहो आपके प्रोजेक्ट के लिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कुछ शेयर करना चाहो तो? अभी जो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स चालू है ना, इसके ऊपर मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले जो डेवलपमेंट देखते हुए ये सब, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आना, अटल सेतु का शुरू होना, अटल सेतु का शुरू होना, एयरपोर्ट आना, मेट्रो शुरू हो गया, मेट्रो शुरू होना, मतलब ये सब देखते हुए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं गाय ना कर दूं, माल बेच चुके माल बेचने में। मतलब ऐसा ना हो जाए कि जो खाने वाली चीज है वो कट गई करेक्ट। क्योंकि एक दो प्लॉट में मैंने कैलकुलेशन किया,
तो आज मुझे ऐसा लगता था कि इसमें इतनी मेहनत करने के बाद ये मिल रहा था, अगर ग्राउंड लेवल पे होता तो क्या, तो भी उतना ही मिलता, तो ये ऊपर क्यों चढ़ा है, ये ऊपर क्यों चढ़ा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर ये वो सोचते हुए आज ऐसा लगता है कि थोड़ा पुश ज्यादा नहीं करना है अपने को, एज अ रिक्वायरमेंट, एज अ थिंकिंग, स्टडी एंड स्लोली। मतलब ऐसा है ना कि एक क्रीम जगह है, आपको मालूम है आपने 160 करोड़ रुपए डाल दिए, राइट, 200 करोड़ डाल दिए उसको सीसी के बाद, तो इतना सारा पैसा डालने के बाद अगर अपना विजन नहीं है तो ये पैसा वेस्ट है। इसमें अभी विजन ऐसा है कि वो 200 भी मुझे कम लग रहे हैं कि रुक जाओ धीरे धीरे बेचो, नहीं तो हमारा एक प्रॉफिट का वैल्यू डाउन ना हो जाए। करेक्ट करेक्ट। एट द एंड एक्चुअली, लेकिन ऐसा सोचने वाला फर्स्ट पर्सन नहीं है, मेजोरिटी बिल्डर अभी ऐसा सोच रहे ना कि थोड़ा रुक जाते हैं साल भर। नहीं, क्योंकि जो पनवेल रेट बढ़ेगा, पनवेल का जो डेवलपमेंट पीरियड है ना, ये आपको 2 साल के अंदर पीक टाइम पे, अभी पीक टाइम पे, अभी आपको इधर से ना 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा सिर्फ 2 साल में। यस, अगर आप यहाँ पे बैठे हो ना, आज बुकिंग का एक इंक्वायरी फॉर्म या एक रेट चार्ट लेके गए, ये रेट चार्ट आप तीसरे साल लेके आओ एक एग्जीबिशन छोड़ के, आपको 10 किलोमीटर आगे का मिलेगा। चलिए ऐसा है, 2005-06-07 की, 5 तो बहुत दूर है, 7 की मैं बात करता हूँ आपसे, तभी कामोटे डेवलप हो रहा था। कामोटे में 2 BHK मिलता था 8 लाख रुपए में, राइट, G+4-7 में, राइट। तब लोगों को हम कभी बोलते थे कामोटे में, लोगों, अरे इतना दूर स्टेशन से भी दूर है, कहाँ जाएंगे, और पनवेल का तो नाम ही नहीं, पनवेल को तो लोग गाँव बोलते थे। आज लोग पलस पे फाटे को भी नवी मुंबई बोलते हैं। प्रोसेस चेंज हो गया ना, और अभी थोड़ा सा उसके आगे भी आप जाओ, चौक तक प्रोजेक्ट बन गए। तो आप जो बोल रहे हो वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, अगला 5 साल के बाद लोगों को वही जाना पड़ेगा। नहीं, जैसे आकाश भाई ने बोला ना कि एक ब्रांड है अरियन, अब मैं देख रहा हूँ मेरा सिडको में प्रोजेक्ट है, लेकिन ब्रांड है ना, तो वो उधर इतना ले सकता है ना, तो मैं यहाँ पे ब्रांड छोड़ दो, मैं काम करके दिखाऊंगा, बराबर, मैं इसको ब्रांड बनाऊंगा, बिल्डिंग को मेरा बने ना बने, करेक्ट, ये बिल्डिंग को ऐसा ब्रांड बनाऊंगा कि उधर के लोग और इधर के लोग कंपेयर करेंगे ना, तो ऐसा थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड होना चाहिए कि इस साइड वजन ज्यादा है। मतलब मैं definitely, ऐसा सोच रहा हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो बढ़िया रहा सर, आपके साथ बातचीत करने में मजा आया, ऐसे फटाफट बिल्डिंग करो, अच्छे कंस्ट्रक्शन बनाओ, अच्छे ब्रांड बनाओ, अच्छी लेगेसी, आप जो परंपरा बना रहे हो उसको कंटिन्यू करो। बाकी आप लॉन्च वॉन्च कुछ करोगे, कुछ वीडियो बताने तो आप बताइए, कस्टमर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। अभी सेल लगाया है तो साथ में ही चलेंगे। नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, आप चलो, हम लोग देखेंगे कैसे चल रहे हो आप लोग, लेकिन आपको सही चलना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा है कि ना ही सिर्फ प्रोजेक्ट्स, तो बिल्डर्स की प्रोफाइल भी पता चले, इसलिए ये सब डिस्कशन होता है। मैंने पहले भी डिस्कशन में बताया कि जब हम लोग बातचीत करते हैं, इसको इंटरव्यू नहीं कहते, इसको पॉडकास्ट कहते हैं, जब हम बातचीत करते हैं ना तो थॉट प्रोसेस पता चलता है। और मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि सिर्फ पेपर वर्क से काम नहीं चलता है, अच्छे लोग होने चाहिए जो अच्छे थॉट प्रोसेस से काम करते हैं। तो ये डिस्कशन से मेरे को लगता है कि आप लोग ने कुछ सीखा होगा, कुछ अचीव किया होगा डेफिनेटली। बाकी कुछ आपकी क्वेरीज होंगी तो इनका जो है KT ग्रुप का स्क्रीन पे नंबर पॉपअप हो रहा है, साइट विजिट करनी है या फिर एग्जीबिशन में आना है या फिर और भी कुछ डिटेल चाहिए, तो उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए और आपका साइट विजिट प्लान कीजिए। मैं आपसे मिलते रहूंगा ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।